नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं HPSC के द्वारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो आगे एग्ज़ाम लिया जाना है, जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसका जो स्कीम पैटर्न एग्ज़ाम जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये अनाउंसमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ हेयर बाय अनाउंसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर था 3/2022, डेट थी 25/1/2022, दैट देर विल बी रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर अबोव सेड पोस्ट, द कमीशन है डिसाइडेड अंडर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम। सबसे पहले जो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलिंग टेस्ट रहेगा और टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे का है। सिलेबस यहाँ पर साथ में ही दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं इंग्लिश रहेगा। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 150 हैं और पेपर जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप आएगा। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय वॉइस टेस्ट अनलेस ही सी स्क्योर ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क इन दी टेस्ट। तो 35% जो मार्क्स लेने जरूरी हैं, मेरिट तो अलग है, लेकिन 35% अगर पास होंगे तभी आपको जो है इंटरव्यू बाय वॉइस के लिए आगे बुलाया जाएगा। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स अलोंग विद द ब्रैकेट कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट पोस्ट प्रोवाइड दैट हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35%। तो पहले तो 35% लेने जरूरी हैं, उसके बाद जो मेरिट जो भी बनेगी तो उसमें 3 गुना जो कैंडिडेट है उनको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 87.5% मार्क्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इसमें टेस्ट दिया गया है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और इंटरव्यू या फिर आपका 12.5% मार्क्स का है। और जो आपकी फाइनल लिस्ट जो बनेगी, ये जो एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू है इनको मिलाकर ही बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एडिंग टू मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो एक ही एग्ज़ाम है, यहाँ पर अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो तब जा दूसरा एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे अन्य भर्ती में लिया गया है, तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट कम हो तब एक ही लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही जो आएगा, एक ही एग्ज़ाम होगा ये। और ये देख सकते हैं अब इसमें जो सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो जो भी आपका यहाँ पर सिलेबस है जिसके अंदर से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो आप देख लें और इसी के अनुसार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये आपका सिलेबस है, इसी के अनुसार आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इनके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।